नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में स्थित होटल लिवाना में सोमवार सुबह भीषण आग लग जाने से हड़कंप मच गया। हादसे में दो लोगों की मौत की जानकारी अस्पताल ने दी, जबकि कई की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के मौके पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया। सितंबर को देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को देश भर में शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन देश भर से चुने गए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने की परंपरा रही है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने पिछली एमवीए सरकार द्वारा 2020 में भेजे गए 12 एमएससी नामांकनों की सूची को वापस ले लिया और राज्यपाल ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। शिंदे सरकार अब राजभवन को नए नामों की सूची भेजेंगी। कोरमंगला सहित बेंगलुरु के कई हिस्सों में जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम हो गया है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। एक ने कहा कि भारी बारिश के कारण जलजमाव वाहन चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने सोमवार को होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। न्यूज एजेंसी एनआई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दोनों की दोस्ती पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। अमित शाह के साथ रोहित शेट्टी को देख फैंस उत्साहित हो गए। वह एएनआई के ट्वीट पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच भाजपा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आप कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है, दिल्ली में शराब नीति से कमीशन का खेल हुआ है। विधानसभा में सीएम सोरेन को उम्मीद के अनुरूप समर्थन हासिल हुआ है। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 48 वोट पड़े। उनकी सरकार को बहुमत के लिहाज से कोई खतरा नहीं था। हालांकि विश्वास प्रस्ताव पारित होने से सोरेन की विधायकी पर आया संकट दूर होने की उम्मीद कम है। सलमान खान अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियां बटोरते रहते। हाल ही में उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान का पहला लुक साझा किया गया था। तस्वीर में अभिनेता का लुक काफी बदला नजर आ रहा था। अब सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर रिलीज हो गया है। सभा में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बड़ी बगावत हो गई है। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने सोमवार को करीब 30 पदाधिकारियों के साथ पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। प्रेस वार्ता में कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।